आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे जीनियस की, एक ऐसे साइंटिस्ट की जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। बहुत सालों सालों पहले ये हुए थे जब पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं था। बनारस में जो सबसे पुराना शहर है, मार्क ट्वेन तक ने कहा है भैया सबसे पुराना देवों की भूमि, वहां पे ये प्रैक्टिस करते थे, अपनी बुक कंपाइल की और पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भारत कितना महान है। दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हम पूरा वेस्टर्नाइज हो गए हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, वेस्टर्न साइंस को फॉलो करते हैं, हम कभी भी अपने वेदों में झांक के नहीं देखते हैं, हम कभी भी जो हमारी एंशियंट बुक है उसमें झांक के नहीं देखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा साइंस टेक्नोलॉजी सब कुछ भारत से निकली है, हर एक चीज का वर्णन आपको भारत में मिलेगा। जब ये दुनिया बनी ही नहीं थी, मॉडर्न साइंटिस्ट तो 1800, 1900, 16th century, 17th century में इनका जन्म हुआ था ना, हमारा तो 3000, 4000 सालों से भारत की परंपरा है। और ऐसे ऐसे टेक्स्ट कंपाइल्ड हैं, इस तरह से चीजों को लिखा गया है, टेक्नोलॉजी या साइंस को लिखा गया है कि कमाल है, लेकिन हम कभी भी उनमें झांक के नहीं देखते हैं। भारत ने एक एंशियंट चीज ली, पूरी दुनिया में वो इतनी ज्यादा फेमस हो गई है कि हर कोई आज उसको फॉलो कर रहा है, योगा। योगा एक बहुत बड़ी टेक्निक है, भारत ने उसको एडवोकेट किया और आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमको अपने एंशियंट कल्चर को वापस लाना पड़ेगा भारत को डेवलपमेंट करने, भारत का डेवलप करने के लिए, और ये हर कोई मानता है, इंप्लीमेंट नहीं करता, बस क्या किया जाए। खैर कोई बात नहीं, हम आज देखेंगे महर्षि सुश्रुत की कहानी, इनकी बायोग्राफी। वैसे तो इनके बारे में इतना ज्यादा रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, तो जो मैक्सिमम बात होगी इन्होंने जो काम किया उस पे हम देखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों इनका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, इनको फादर ऑफ सर्जन बोला जाता है, पूरी दुनिया इनको फॉलो करती है, हर जगह एक इंस्पिरेशन के तौर पे ये लिए जाते हैं। लेकिन इनकी जो किताब है सुश्रुत संहिता, ये सिर्फ सुश्रुत ने नहीं लिखी। देखिए क्या था कि सबसे पहले सुश्रुत आए थे, महर्षि सुश्रुत आए थे, ऐसा बोला जाता था कि ये विश्वामित्र के बेटे हैं, ऋषि विश्वामित्र, ये एक और महान इंसान, थर्ड मंडल इन्होंने लिखा था भैया ऋग्वेद का, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गायत्री मंत्र भी, तो इनके बेटे ऐसा बोला जाता था। अब क्या है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स आए इनके बाद, इन्होंने ये टाइटल लिया, तो जो सुश्रुत संहिता है ये बेसिकली एक ने नहीं, काफी सुश्रुताज ने लिखी हुई है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको अपडेट चाहिए और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मेरे फेसबुक, मेरी फेसबुक प्रोफाइल फेसबुक पे सेडेंट स्कोर रिकनेक्ट और मेरी फेसबुक प्रोफाइल सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से है। साथ ही साथ 22,500 रुपए में यूपीएससी का कॉम्प्रीहेंसिव प्री प्लस मेंस पेन ड्राइव कोर्स अवेलेबल है। आज ही स्टडी आईक्यू की वेबसाइट विजिट करें, नंबर्स पे कॉल करें, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने सबके लिए कोर्स बनाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम सुश्रुत की, महर्षि सुश्रुत की बात करें, इनका जो जन्म था, वैसे तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2600 साल पहले बनारस में, गंगा किनारे वाला बनारस में ये रहते थे और वहां पे डेली हजारों हजारों पेशेंट्स आते थे। बहुत, देखिए एक चीज बताना चाहूंगा कि पुराने जमाने में देखें तो आपको लोग बहुत हेल्दी मिलेंगे, उनकी लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया मिलेगी और काफी हट्टे कट्टे लंबे चौड़े मिलेंगे। इसका रीजन क्या था, पुराने जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, खान पान। सुश्रुत बोलते हैं, महर्षि सुश्रुत ये बोलते हैं कि आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, साफ सफाई से रहना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सबसे बढ़िया इलाज है बीमारी को आने ही मत दो, पहले से ही डेली एक्सरसाइज करो। और बोलते हैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज मत करो, स्ट्रेनस बहुत ज्यादा मसल्स पे बहुत ज्यादा, उससे और नई बीमारी आएंगी, मॉडरेट एक्सरसाइज करो, कार्डियक करो और उसके बाद अच्छा खाना लो, स्वच्छ रहो, बीमारियां आएंगी ही नहीं। कहने का मतलब ये है पहले के जमाने में लोगों की लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया होती थी, आज के जमाने में तो बर्गर पिज्जा चीज और पता नहीं फलाना ढमकाना, इतनी खतरनाक जहर आ गया है, जहर खा रहे लोग और लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। और उनकी लाइफस्टाइल पे कितना ज्यादा मोटापा, कोई हेल्दी आपको दिखेगा ही नहीं, किस हर किसी को कुछ ना कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम्स है। तो महर्षि सुश्रुत ने यह बोला था कि अपनी लाइफस्टाइल को बदलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बनारस में रहते थे, ठीक है, 2600 साल पहले की बात है, वहां पे लोग आते थे डेली, हजार हजार लोग अमूमन आते ही होंगे, इनसे इलाज करवाते थे, खुशी खुशी वापस लौट जाते थे। अब क्या है इलाज, मतलब क्या, आपको पता है ये एक फिजिशियन थे,
आपकी जो फिजिकैलिटी की जो पूरी स्टडी होती है उनको फिजिशियन कहते हैं, क्योंकि बीमारी आपकी बॉडी में ही होगी, ठीक है, उनको ठीक करते थे, ये सर्जरी तक करते थे। बहुत सारे टूल्स बरामद हुए, ये पूरी सर्जरी तक करते थे, प्लास्टिक सर्जरी करते थे ये उस समय। सोचिए उस समय 2600 साल पहले उस समय प्लास्टिक सर्जरी होती थी, ये चीज थी। तो ये चीज थी, लेजेंडरी स्कॉलर थे ये, ठीक है। और विश्वामित्र, ऐसा बोला जाता था कि ये विश्वामित्र के बेटे हैं। चरक एक और बहुत महान चिकित्सक थे, उन्होंने मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है। इन्होंने अपनी बहुत ही फेमस बुक सुश्रुत संहिता, जिसको शल्य तंत्र भी बोलते हैं, वो कंपाइल की, कंपाइलेशन है बेसिकली, ठीक है। सुश्रुत संहिता के बारे में अभी हम आगे जानेंगे। अब इसमें एक एक चीज सर्जरी के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में, एंशियंट मेडिकल साइंस के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में, कोई भी बीमारी हो जाओ जंगल में, कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन प्लांट्स होते हैं, उनसे दवाई बनाओ, जड़ी बूटियां बनाओ, अप्लाई करो, सारे रोग खत्म। हम बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है, एंटीबायोटिक खा खा के हम लोग राक्षस हो गए हैं, बीमार हो चुके हैं, पूरा वेस्टर्न हो चुके हैं। आयुर्वेद, हालांकि बहुत ही ज्यादा मुझे खुशी है कि आयुर्वेद इस समय भारत में काफी ज्यादा प्रचलित में है, एंशियंट कल्चर को वापस रिवाइव किया जा रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है। कौन सी स्कीम है भैया, किस स्कीम के अंदर ये किया जा रहा है, चलिए बताइए। इनको फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, महाभारत में बहुत ज्यादा बोला जाता है कि हो सकता है, ठीक है, वैसे कॉमनली ये बोला ही जाता है कि विश्वामित्र के काफी बेटे थे, उनके एक बेटे में से एक महर्षि सुश्रुत थे। विश्वामित्र, जैसा कि मैंने बताया, ये एक और बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने तीसरा मंडल ऋग्वेद का लिखा और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या बात है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, मंत्रों का उच्चारण बहुत ही अच्छे से करना चाहिए दोस्तों, आपकी कॉस्मिक एनर्जी अलाइन हो जाती है, आप बेसिकली मैसेज भेजते हैं यूनिवर्स को, बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है, अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा फिलहाल, ठीक है। तो विश्वामित्र के ये बेटे थे, उनके बहुत सारे बेटे थे, उनमें से एक ये थे, ठीक है। अब क्या है कि प्लास्टिक सर्जरी, वैसे तो जो ये मेडिसिन होती है, ये प्लास्टिक सर्जरी और ये पूरा का पूरा आयुर्वेद होता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से चला आ रहा है, तब से, जाहिर सी बात है ना, तब भी तो डॉक्टर होंगे, लोग तो बीमार पड़ेंगे ही, तब भी डॉक्टर्स थे, रिसर्च चलती थी, बहुत जबरदस्त तरीके से रिसर्च चलती थी, देखते थे ना भैया, ऋषि मुनियों की अपनी लैब्स होती थी, वहां पे प्रॉपर रिसर्च होती थी और उसके बाद इसको अप्लाई किया जाता था। उस समय से प्लास्टिक सर्जरी चलती आ रही है और वन ऑफ द ब्रिलियंट स्कॉलर फिर आए सुश्रुत, ठीक है। अब क्या है कि ये जो चीजें हैं ये बेसिकली आपको आयुर्वेद में मिलेगी, आयुर प्लस वेद। दोस्तों आयुर्वेद क्या है, बेसिकली ये ऋग्वेद का उपवेद है, हमारे यहां चार वेद हैं टोटल, ठीक है, चार वेदों का कंसेप्ट है, ऋग्वेद का उपवेद है। और आयुर्वेद बेसिकली जड़ी बूटियों से डील करता है, चीजें बताता है, दोष बताता है, हमारी बॉडी पांच तंत्रों से मिली हुई है वो बताता है। आयुर्वेद में मैं आऊंगा, इससे पहले आप देखिए, आप जरा ये देखिए कितने सारे इनके पास यंत्र हैं उस समय, याद रखिएगा, आप कंपैरिजन में 2600 साल पहले जोड़ लीजिएगा, आज तो कुछ नहीं है, 2600 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते थे, ये सारी जो चीजें आपको मिलेगी ये संस्कृत में मिलेगी, ठीक है, ये संस्कृत में लिखा गया था, सुश्रुत संहिता संस्कृत में लिखी गई थी, बाद में इसको ट्रांसलेट किया जाए। दोस्तों अगर आयुर्वेद की बात करें, मैंने बताया कि आयुर्वेद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद होता क्या है, आयुर्वेद बोलता है कि हमारी बॉडी जो है वो पांच तत्वों से बनी हुई है। बॉडी किससे बनी हुई है, पांच तत्वों से, कौन, स्पेस, ठीक है, दूसरी चीज फायर, फिर अर्थ, उसके बाद वाटर, एयर। तो ये पांच चीजों से हमारी बॉडी बनी हुई है। अब इन्हीं पांच चीजों की वजह से अगर इनका इंबैलेंस होगा तो इससे क्या उत्पन्न होंगे, दोष, यानी कि बीमारियां। अब दोष क्या, देखिए दोस्तों बहुत ही जबरदस्त चीज मैं आपको बताता हूं, हमारे बॉडी में बीमारियों का मेन कारण क्या होता है, ऐसे और गैस, ठीक है, कफ, ये सब इंप्योर होते हैं। देखिए एसिड मतलब पित्त, ये तीन दोष है। आयुर्वेद बोलती है कि तीन दोष यानी कि तीन बीमारियां इनके इंबैलेंस या इनके मिक्सचर से होती है। सबसे पहला होता है आपका पित्त, पित्त यानी कि एसिड, ये किससे बनता है, फायर,
प्लस वाटर। भैया एसिड क्या होता है? बेसिकली एच प्लस आयंस। एच प्लस आयंस मीन्स मतलब हाइड्रोजन, आग, ठीक है। दूसरा दोष होता है कफ। कफ किससे बनता है? अर्थ प्लस वाटर, बलगम, जो कि अगेन बहुत ज्यादा खतरनाक चीज होती है। तीसरा होता है वात यानी कि गैस, ठीक है, या एयर जिसको बोलते हैं, जो एयर प्लस स्पेस से बनता है, या ईथर जिसको पुराने जमाने में बोला जाता था। अब क्या है, कभी भी आपको सर दर्द होगा, आपको हड्डियों में दर्द होगा, तो बेसिकली एसिड वहां पे जम जाता है, गैस वहां पे आ जाती है, एयर आ जाती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। एसिडिटी को अगर आप सॉर्ट आउट कर लें तो सब कुछ नॉर्मल रहता है। इन्हीं की वजह से मैक्सिमम बीमारियां उत्पन्न होती हैं। क्यों उत्पन्न होती हैं? खाना पीना क्या है कि अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, तो वो आपको, आपके अंदर भी एसिड होता है, उसी से तो खाना पचता है ना, प्लस बाहर से जो आप इनटेक ले रहे हैं उससे भयंकर तरीके से एसिड प्रोड्यूस होता है। और वो एसिड क्या होता है, बेसिकली ज्यादा गर्मी पेट के लिए बहुत ज्यादा नुकसान करती है। अब अगर बालों की बात करें, बहुत लोगों को आजकल ये समस्या होती है कि बाल झड़ जाते हैं, ये भी एसिड की वजह से झड़ते हैं। यहाँ पूरे एरिया में एसिड का जो सर्कुलेशन है वो ज्यादा होने लगता है। आप पेड़ों में एसिड डाल दीजिए, पेड़ खत्म हो जाएगा, ऐसे ही चीज होती है। कहने का मतलब ये है कि जब आपका खान पान सुधरेगा, आप बहुत ही ज्यादा प्योर हो जाएंगे। अब यहाँ पे वेजिटेरियन डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्योर हो जाएंगे, अपने आप सारी बीमारियां हट जाएंगी, फिट हो जाएंगे। और जब भैया आप अंदर से अच्छा फील करेंगे, फिर तो बात ही खत्म ना, फिर हर चीज अच्छी होगी, सक्सेस आपके पीछे आएगी, बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे अपनी जिंदगी से। कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल अगर अच्छी करनी है तो आपको खान पान पे ध्यान देना होगा। अब इन्हीं के इंबैलेंस से सारी बीमारियां उत्पन्न होती है, और इन्हीं को क्योर करता है आयुर्वेद। डिफरेंट डिफरेंट जड़ी बूटियां, मेडिसिन से बना हुआ एक ऐसी ब्रांच है जो आज तो बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, ठीक है। तो ये चीज है। अगर सुश्रुत संहिता की बात करें, मैं जरा बोर्ड साफ कर देता हूं, तो इसमें दोस्तों टोटल 184 चैप्टर्स हैं, 1120 बीमारियां। अरे बाप रे, इतनी ज्यादा बीमारियां, 100 अगर मैं आपसे पूछूंगा तो 100 भी नहीं बता, इनफैक्ट मैं भी नहीं बता पाऊंगा। 1120 इलनेसेस, 700 मेडिसिनल प्लांट जिनको हम यूज करेंगे ताकि सारी बीमारियां ठीक हो जाएं। 700 मेडिसिनल प्लांट्स, आप देख रहे हैं नेचर ने बीमारियां बनाई है, उनका क्योर भी बनाया है, ठीक है। अब इसमें मैन मेड जो दवाइयां हैं वो तो बड़ी खतरनाक है, जो एंटीबायोटिक है, हजार हजार एमजी की आती हैं, पूरे बॉडी को धीमे धीमे सड़ा देती हैं, बर्बाद कर देती हैं, उन सबसे उलट है आयुर्वेद। आयुर्वेद की अगर फिर से बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा, ये ऋग्वेद के अंदर आता है, ठीक है। पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और उसके बाद भेल संहिता, ठीक है। तो इन तीनों से बेसिकली आयुर्वेद जुड़ा हुआ है, ठीक है। इन तीनों को कंपाइल करके हम बहुत ही अच्छे से आयुर्वेद की स्टडी करते हैं। अब एक चीज इसमें और बताना चाहूंगा, धनवंतरी, ये धनवंतरी कौन है? धनवंतरी बेसिकली इनको बोला जाता था, बहुत लोग बोलते थे ये विष्णु भगवान के अवतार हैं, ये हैं गुरु सुश्रुत के, महर्षि सुश्रुत को इन्होंने ही सिखाया है। जी हाँ बिल्कुल, ऐसा बोला जाता था कि ये भगवानों को ठीक करते हैं, ठीक है। देवोदास धनवंतरी, देवों को ठीक करने वाले धनवंतरी, तो ये इनके गुरु थे और इसीलिए ये सुश्रुत इतने महान बने। अब अगर हम बात करें तो मैं वापस आना चाहता हूं, 184 चैप्टर्स हैं, 1120 बीमारियां हैं, 700 मेडिसिनल प्लांट्स हैं, 64 मिनरल सोर्सेज और 57 एनिमल बेस्ड सोर्सेज हैं। मतलब इन सबको यूज करके आप इन सारे इलनेसेस को ठीक कर देते हैं। हर चीज का वर्णन आपको मिलेगा, लगभग सारी सर्जरीज आपको इसमें मिलेंगी। टोटल 8 तरह की वैसे सर्जरीज की बात की है, लेकिन सब कुछ, दांत से लेके कुछ अगर निकलवाना है, कोई ठीक करनी है बीमारी, कुछ फॉरेन इन्वेजन हुआ है, वायरसेस ने अटैक किया है, उन सब का क्योर आपको सुश्रुत संहिता में मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उस समय कोई इंसान इतना ज्यादा जीनियस कैसे हो सकता है। आज तो इतनी टेक्नोलॉजी है, उस समय तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, ना लाइट, ना टेक्नोलॉजी, ना कम्युनिकेशन, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना जो आज इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं इन सारी सर्जरीज के लिए, वो भी बनाने पड़ते थे। उसके बावजूद देख लीजिए भैया, भारत की लेगेसी ऐसी है, भारत का एंशियंट साइंस इस तरह का है। वेदों, जिस दिन भारत वेदों में घुस गया, वेदों की शिक्षा देना लग गया,
ऐसा भयानक डेवलपमेंट होगा ना, इंडस घाटी में जैसे हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आज तक उतनी बढ़िया सिविलाइजेशन ना आई है ना आएगी। इतनी समृद्धि, इक्वालिटी, हर किसी को इक्वल ट्रीट किया गया था। वापस लेटर वैदिक एज ने पूरा कबाड़ा कर दिया था भारत के परंपराओं का, और उसमें फिर एक्चुअली वर्ण सिस्टम आ गए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसने पूरा कबाड़ा करके रख दिया था। अगर सुश्रुत संहिता की बात करें तो बेसिकली ये दो पार्ट में है, ठीक है, दो पार्ट में है। पहले को बोलते हैं पूर्व तंत्र, वैसे तो 6 बुक्स हैं टोटल, आपको 6 बुक्स पढ़नी पड़ेगी, जी हाँ 3 वॉल्यूम 6 बुक्स। पहला पार्ट है पूर्व तंत्र जो जिसमें 5 सेक्शंस हैं, ठीक है। अब ये 5 सेक्शन पूरी तरह से आपकी बॉडी से डील करता है और किस तरह से उसको क्योर किया जाए, सूत्र स्थान, मतलब किस तरह से आप इसको क्योर करेंगे विद फॉर्मूलास, शरीर किस तरह से शरीर को क्योर, उसके बाद निदान, इनका निदायन, चिकित्सा और कल्प। ये बेसिकली 5 जो सेक्शन है आपको मिलेंगे पूर्व तंत्र में, और छठा है उत्तर तंत्र, और पूर्व तंत्र प्लस उत्तर तंत्र इज इक्वल टू सुश्रुत संहिता, तो ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर तंत्र की बात करें तो ये पूरा का पूरा अपूद्रविका इससे डील करती है, मतलब जितने भी सर्जिकल, इंपॉर्टेंट सर्जिकल प्रोसेस होते हैं ना, प्रोसीजर्स, उन सबको, हर चीज को ये ठीक करेगी, तो ये चीज है। अब अगर इनकी लेगेसी की बात करें तो दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहता हूं, सुश्रुत संहिता कोई एक इंसान ने नहीं लिखी थी। सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत क्या करते थे, ज्यादा डॉक्टर्स उस समय चाहिए थे और मेडिकल साइंस को भी बढ़ाना था, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये ट्रेनिंग करते थे, बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके पास सीखने आते थे, उनको ये ट्रेन करते थे, जिनको सुश्रुतास बोला जाता था। और हो सकता है कि ये सुश्रुत संहिता, हो सकता नहीं बल्कि यही हुआ है, ये कंपाइलेशन है, बहुत सारे सुश्रुतास ने इस पे काम किया है, एक इंसान ने कंपाइल नहीं किया है। सुश्रुत एक टाइटल भी होता था, बाद में ये टाइटल के तौर पे यूज हुआ, काफी डॉक्टर्स जो आए एंशियंट इंडिया में उन्होंने इस टाइटल को यूज किया और इससे फिर उन्होंने इतनी सारी बुक्स बनाई, रिसर्च पे रिसर्च। जाहिर सी बात है इतना बड़ा काम एक इंसान के बस की बात नहीं है, बहुत लोगों ने इस पे अपनी जो लाइफ है वो इस पे डिवोट की, रिसर्च की, और उसके बाद फिर सुश्रुत संहिता एक ऐसी बुक जो सब कुछ क्योर कर देगी वो बनाई। तो इनके स्टूडेंट्स को सुश्रुतास बोला जाता था। और आपको बताता हूं, इन्होंने बोला था कि तुम बिल्कुल प्रैक्टिस करो जीवित इंसानों पे, मुर्दों पे, इन्होंने बोला था कि उस पे प्रैक्टिस की बजाय फ्रूट्स पे प्रैक्टिस करो, किस तरह से सर्जरी करनी है। अगर आपको सर्जरी सीखनी है तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना, ठीक है, पहले प्रैक्टिस होती है, उसके बाद आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे असल जिंदगी में लोगों पे। तो सुश्रुत उस समय बोलते थे फ्रूट्स लो, वाटरमेलन, गार्ड, क्यूकम्बर, मतलब जो खीरा होता है, जो तरबूज होता है, जो खरबूजा होता है, इन सब पे, और लेदर बैग को फिल कर दो वाटर से या कोई भी डेंस फ्लूइड से, वहां पे प्रैक्टिस करो। सर्जरी अगर सीखनी है तो तुमको ये काम करना ही होगा। 6 साल के लिए स्टडी होती थी, और अगर आप देखें तो MBBS भी 5 साल का होता है, तो आप देख सकते हैं ना कि यहां से काफी कुछ वहां से उठाया गया है। अब अगर सर्जरी की बात करें दोस्तों, तो 8 टाइप की सर्जरी इसमें बताई गई है। सबसे पहला है छेद, यानी कि पूरा छेद दो, उसके बाद भेद दे, फिर उसके बाद, ये सब संस्कृत वर्ड है ये भी आप याद रखिएगा, उसके बाद लेके यानी कि अलग करना, फिर वेद्य, ऐश्य, उसके बाद फिर आचार्य, विश्रव्य और सीव्य। ये 8 तरह की सर्जरीज हैं जो मैंने बोला है, लिख लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। पहली छेद्य, दूसरी भेद्य, तीसरी लेख्य, चौथी वेद्य, पांचवी ऐश्य, छठी आचार्य, सातवीं विश्रव्य और आठवीं सीव्य, मतलब आखिरी में पूरी तरह से सिल दो, किस तरह से। तो ये 8 तरह की सर्जरीज हैं। अब दोस्तों क्या है कि हमारे प्रेजेंट डॉक्टर्स के लिए ये बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, काफी कुछ यहां से लिया गया है, लेकिन फिर भी वेस्टर्नाइज तो हम हो गए हैं और इसका बहुत ज्यादा दुख होता है। हमको एंशियंट अपनी हिस्ट्री में झांक के देखना पड़ेगा। मैं बार बार इस पर एम्फेसाइज करता हूं क्योंकि मैंने पढ़ा है और मैंने ये देखा है कि इतने साल पहले कोई इंसान इतना बड़ा जीनियस कैसे हो सकता है, जो आज हो रहा है उसका प्रेडिक्शन कर दे। दूसरी चीज, जो आज टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो रही है, नैनो टेक्नोलॉजी जो आने वाली है, उन सबका वर्णन उसमें दिया हुआ है कैसे। तो इसीलिए ये सारी चीजें पढ़ानी चाहिए, वेस्टर्नाइजेशन छोड़ना चाहिए, अंग्रेजी सीखनी चाहिए, उस पे उसको हावी नहीं होने देना चाहिए और भारत के कल्चर को आगे लाना चाहिए, अच्छे कल्चर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज है,
ये मेरा लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। क्विक रिमाइंडर, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके ये हैं, आज ही स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर विजिट करें, नंबर्स पर कॉल करें। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा अपने नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।